हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओमायरास वंडर वर्ल्ड। ये कहाँ आ गए हम? मम्मा, अबू धाबी। यस फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अबू धाबी, द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, और ये है हमारा भी फर्स्ट ट्रिप। और हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी हम अपने साथ ले चलें अपने इस अबू धाबी के ट्रिप पे। सो ये है हमारी ईद की हॉलीडेज। टुडे इज 11th of April, और फ्रेंड्स जो भी हमें इंडिया से देख रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा अभी चैत्र नवरात्रि का हमारा बहुत ही शुभ आगमन हुआ, हमारे नए साल का, हिंदू नववर्ष का, संवत 2081। तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं ओमायरास वंडर वर्ल्ड की तरफ से हिंदू नववर्ष की, चैत्र नवरात्रि की। और हम लोग यहाँ 10th अप्रैल को हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू अबू धाबी, और हम लोग आ चुके हैं। वी आर ऑलरेडी एट द होटल एंड दिस इज़ द सेकेंड डे फ्रेंड्स। ये है हमारा दूसरा दिन अबू धाबी में। हम लोग 10th अप्रैल को सऊदी अरेबिया से निकले एंड हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बाय आफ्टरनून। अब हम लोग आज रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम रेडी हैं आज एक्सप्लोर करने के लिए। वी आर गोइंग टू यास वाटर वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं यास वाटर वर्ल्ड, और आपने बहुत नाम सुना होगा यास आइलैंड का। हम लोग यास आइलैंड में स्टे नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टे कर रहे हैं इन द सिटी ऑफ अबू धाबी। हम वी आर स्टेइंग एट द ग्रैंड मर्क्यू, और हम आपको थोड़े से ग्लिम्पसेस दे देते हैं, अपना रूम टूर दे देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हम एंटर करते हैं, दिस इज़ द किचनेट जहाँ पे हमें यहाँ वॉशिंग एरिया दिया जाता है, एंड देन यहाँ क्रॉकरी भी है, देयर इज़ अ चिमनी, देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक बर्नर हियर, सम मोर क्रॉकरी हियर, there's a kettle but no coffee machine, there's a microwave, they've also given this washing machine. So here we move ahead, here there's a full length mirror, and this is how we go in the room. So we step in and this is the room. Okay, this is the TV. It says welcome Mr. Taneja Siddhanka. These are Omaira's little toys, stuffies. Okay, this is a cute sitting area. It's quite a large room. This is how the room looks from this side. There's a nice plant here. And this is room looks. This is the view from the room. It's facing the main road. Hi Omaira. Did you like the room? Yes. So friends, here we have the closet. We can hang whatever we need to, and then you can iron your clothes after. And here on the other side is the locker and some more space to keep your stuff, your belongings, your clothes, whatever. We move here and here. Yep. This is the washroom. Okay, and this is the main entrance. So friends, ye ho gaya hamara room tour. To friends, kaisa laga aapko room? It's quite a spacious room, और एक छोटा सा किचनेट भी है, there's a washing machine जैसे कि आपने देखा होगा। फ्रेंड्स, जो लोग हमें, जो हमारे प्यारे डियर सब्सक्राइबर्स हमें सऊदी अरेबिया से फॉलो कर रहे हैं, और इफ़ दे प्लानिंग अ रोड ट्रिप टू अबू धाबी और एनी वेयर इन द UAE, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं टू ट्रैवल टू द UAE, और जो डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करने होंगे फॉर इमिग्रेशन एंड अदर पर्पसेस टू UAE, जो आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए फ्रेंड्स, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। दैट्स अ लिस्ट एंड आई विल आल्सो गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। मैं ये जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जो इम्पॉर्टेंट वेबसाइट लिंक्स है वो भी डाल दूंगी। हमने ये ट्रिप प्लान किया, ऑब्वियसली हॉलीडेज थी, ईद हॉलीडेज थी, तो ओमायरा को ध्यान में रखते हुए ट्रिप प्लान किया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अबू धाबी आएँ और यास आइलैंड का नाम ना आए? तो आज हम जा रहे हैं यास आइलैंड में, देयर इज़ यास वाटर वर्ल्ड, एंड एज यू ऑल नो दैट ओमायरा इज़ अ कंप्लीट वाटर बेबी, शी डजंट वांट टू कम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से बाहर नहीं निकलती है। वंस शी एंटर्स
तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ वेबसाइट लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ से आप यास वाटर वर्ल्ड या फिर यास आइलैंड के जो भी थीम पार्क हैं आप उनके टिकट्स बुक कर सकते हैं। हमने ये ट्रिप में यास आइलैंड के 3 थीम पार्क्स के टिकट्स एक साथ बुक किए हैं। सो वी हैव बुकड अ 3 पार्क प्ले पैकेज, और इसमें हमने अपना स्टे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम रह रहे हैं आबू धाबी मेन सिटी में। हमें यास आइलैंड पे नहीं रहना था क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते थे सिटी, एंड व्हेन यू स्टे इन द सिटी तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप आ सकते हैं इन यू कैन एक्सप्लोर वेरियस प्लेसेस इन द सिटी एज वेल एज वेरियस ईटिंग जॉइंट्स, वेरियस फेमस ईटिंग जॉइंट्स जो कि हैं आबू धाबी में। तो और फ्रेंड्स, देखा जाए तो ईद हॉलीडेज़ पे, अगर आप ईद हॉलीडेज़ पे प्लान कर रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम कतर और एनीवेयर, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि ईद हॉलीडेज़ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो एटलीस्ट बुक योर होटल्स मच इन एडवांस। एंड वी आर स्टेइंग एट द ग्रैंड मर्क्यूर, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। इट्स अ 5-स्टार होटल इन आबू धाबी एंड वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल्स। हम यहाँ आ चुके हैं 10th ऑफ अप्रैल को और आज है 11th अप्रैल। तो कल का हमारा दिन था, वी वर वेरी अंडरस्लेप्ट, तो हम आए एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू रिलैक्स फॉर अ बिट, थोड़ी देर वी टुक रेस्ट एंड देन हमने फिर एक्सप्लोर करना तो नहीं, हमने सोचा कि हम लेट्स जस्ट गो टू आबू धाबी कॉर्निश। तो हम कॉर्निश पे चले गए और वहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या किया, वी जस्ट हैड अ गुड टाइम। सबसे अच्छी बात है कि ईद के फायरवर्क्स हमको देखने को मिल गए और आबू धाबी कॉर्निश, तो प्लीज़ आप अभी देखिए कि वो हमने कैसे इंजॉय करे। हम लोग वी वर ड्राइविंग एंड वी वर ड्राइविंग पास्ट आबू धाबी कॉर्निश और बाय गॉड्स ग्रेस हमको वो सारे फायरवर्क्स देखने को मिले। तो फैबुलस फायरवर्क्स फ्रेंड, और हमने बहुत इंजॉय किया, हमने तो कार से ही बहुत इंजॉय किया। हम उतरे भी नहीं थे कॉर्निश पे एंड द फायरवर्क्स स्टार्टेड, और मैंने शूट कर लिया आप सबके लिए, तो प्लीज़ देखिए, लेट्स सी। करेंगे ब्रेकफास्ट, और आज है इट्स लाइक अ ब्रंच एट द होटल, ईद ब्रंच यू कैन से। तो हम वहाँ जाएंगे, और सबसे अच्छी बात मुझे आबू धाबी के बारे में ये लग रही है, और कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया तो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस, वीगन ऑप्शंस बहुत मिलेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट से लेके ऑथेंटिक हमारे मुगलाई क्यूजींस एंड इंडियन फूड एंड सब कुछ मिलेगा आप यहाँ पे। दैस बीकानेर वाला, दैस सरवना भवन, देर आर सो मैनी इंडियन रेस्टोरेंट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू अबाउट वेजिटेरियन फूड नाउ, क्योंकि अब मैं भी एक वेजिटेरियन बन चुकी हूँ सिंस लास्ट ईयर। और सबसे पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट एट द होटल। इसको कहाँ ले जा रहे हो? ब्रेकफास्ट के लिए बेला को? ओके, दूसरा वाला उसका नाम क्या है? उसको नहीं लाए? चलो ठीक है, उसके लिए हम ले आएंगे खाना। ओके, वॉफल। ओके, चलो लेट्स गो।